उसमें भगवान के प्रति गौरव होता है, इसलिए उसमें नमस्कार इत्यादि उसमें होता है। सेवा भी शिथिल होती है, सेवा नहीं होगी तो डरते डरते, और भगवत बुद्धि से सेवा होती है। ऐश्वर्य ज्ञान उसमें भरा भरा होता है, और आत्मभक्ति में ईश्वर ज्ञान नहीं, मेरे सखा है, मेरे मित्र है, मेरे पुत्र है, मेरा पुत्र है और मेरे प्रियतम है, ऐसा भाव उसमें होता है। इससे माधुर्य आस्वादन में निर्बाध गति से होता है। इसमें हृदय खोल करके कृष्ण से की सेवा हो सकती है। कृष्ण को या तो बराबरी का भाव, सत्य में बराबरी का भाव, तुम नंद बाबा का लड़का और हम उपानंद के, तुम्हारे बाबा को 11 लाख गाय हैं और हमारे पिताजी को 13 लाख गाय है, किसलिए बड़ा? और समान रूप में कुश्ती लड़ते हैं, कृष्ण को कभी पराजित कर देते हैं कभी बराबर का, और इसके बाद में कृष्ण को छोटा, कृष्ण को डांटते दबाते हैं माता पिता, शासन करते हैं, कृष्ण रोते भी हैं, अपने से छोटा अपना पाल्य और पोषण ये दोनों मान करके उनकी सेवा करते हैं। और फिर एक बार और बराबर का भाव, गोपियों का, सखियों का भाव, कृष्ण उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं देते, उनको कोई अलंकार भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, अपने घर में भी नहीं जाते, इसलिए गोपियां अपने प्रेम से कृष्ण को अधीन कर देती हैं। पति अपने स्त्री को सदा दासी बना करके रखता है, गोपियों को क्या दासी बनाएंगे, गोपियां उनसे भी अधिक बड़ी हुई है, माँ यशोदा के प्रेम से भी इनका प्रेम बढ़ करके है, इसलिए अपनी बंसी उनके चरणों में दे करके और उनसे क्षमा मांगते हैं कि अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, अपराध नहीं करूंगा। क्या है नमार गरल खंडारम अवशिर श्रीमंडारम देवी पद पल्लव, यह माता श्रद्धा के लिए भी नहीं, उन गोपियों के लिए। इसलिए ये तीन रसों में कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन होता है। अब वैदिक भक्ति वाले हाथ जोड़ करके नमस्कार स्तुति स्तव प्रणाम यही करेंगे, उनके प्रेम शिथिल होता है। इस प्रकार वैदिक भक्ति और राग भक्ति में उत्पन्न जो भाव उनमें भेद है। एक ऐश्वर्यमयी होने के कारण वैकुंठ तक ले जाएगा नारायण की सेवा, वहां स्तव स्तुति करूंगा, और रागमयी भक्ति गोलोक वृंदावन में कृष्ण चरणों का अवलंबन करके वहां पर वैधि भक्ति का भाव प्रकट नहीं होता, ऐश्वर्यमयी होने से उसके भाव शिथिल होता है। इससे भगवान के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान भरा रहता है। अर्जुन इतने बड़े सखा होने पर भी जब भी स्वरूप देखा तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और क्षमा मांगने लगे, आपको सखा कहा है, आपको कृष्ण कहा है, आप मेरे अपराध को क्षमा करो। और मैया यशोदा ने दो दो बार उनका भी स्वरूप देखा, उन्हें कहा कोई स्त्री ने टोना कर दिया है, कुछ हो गया है, इसको भूत लग गया है,
ब्राह्मणों को बुलवाकर काली गाय के गोबर और मूत्र से मिल करके उनको स्नान करके अभिषेक कराते हैं। कृष्ण भागते हैं पकड़ते लेकर के जबरदस्ती करते हैं। यह है प्रेम का भाव। पहली भक्ति में संकोच बना रहता है और शास्त्र विधि की सदा अपेक्षा रहती है। भगवान ऐसी वैदिक भक्ति से कभी भी वशीभूत नहीं होते हैं। वैदिक भक्ति के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति के प्रमाण भी शास्त्रों में प्रकट हुआ। वैदिक भक्ति का के कोई पालिया बहुत कैसे अजामिल का है। भक्ति मार्ग के अनुसार भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे भक्ति या भाव दो प्रकार के हैं, उन भावों का लंबन करने वाली भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। एक रागा मार्ग, राग मार्ग के अनुयायी जिसको चैतन्य महाप्रभु देने के लिए है, परम रसिक कृष्ण करुण को भी गई होती तहार इच्छा रूप को राग मार्ग प्रवर्तित राग मार्ग को देने के लिए इनके पहले कोई भी नहीं दे सका। चाहे मध्वाचार्य हो, रामानुज हो, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, उनके पूर्व में जितने भी आचार्य भक्ति दान किया, भक्ति रस और ये राजमार्ग भक्ति प्रवर्तन कोई नहीं किया। एक कल्प पहले केवल चैतन्य महाप्रभु ने किया था, इसके बाद में किसी ने नहीं किया। वैदिक भक्ति मार्ग के अनुयायी दोनों की चित्त वासना पृथक पृथक होती है। राग भक्ति मार्ग के और वैदिक भाग के भक्तों का चित्त भी दो प्रकार का होता है। राग में भक्त की चित्त वासना अपने सुख के गंध से रहित होती है। राग वाले मार्ग वाले भक्त अपना सुख तनिक नहीं चाहते, उसका गंध नहीं है। और वैदिक भक्ति वाले जब भाव को प्राप्त करने पर भी उसमें सुख की वृद्धि होती है, प्रबलता, अपने सुख के लिए मोक्ष। भक्ति भी इसलिए कि हमको कभी दुख न हो, बस इसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपने संसार की निवृत्ति और मुक्ति में बस यहीं तक वो पहुंचाती है। और राग मार्ग वाली कृष्ण में वृंदावन में ले जाकर सब पदार्थ से बात कर और मधुर लेकर के पहुंचा। So our bhakti, we should understand to be the array of prema bhakti. So sarana bhakti dui tu prakar. There are two types of sarana bhakti. One is Radha Ruga sarana, one is Vaidhi sarana. Radha Ruga sarana is one undertakes the performance of Radha Ruga sarana having obtained a great greed to achieve the service of Krishna either by reading the scriptures or by hearing from Mahabhagavata. The second type of sadhana, namely Vaidhi sadhana, is undertaken due to fear of the scriptures. Sarasa sadhana, means when one hears that even if you follow Varnashram but do not perform Bhagavad Bhakti, then you still go to hell. That out of fear of going to hell, one performs Vaidhi sadhana. Just like there are two types of sadhana, there are also two types of bhava bhakti which are attained by these two processes. By performance of
Rag Sadan, one achieves Ragamoy Bhakti or Raganuga Bhakti, and by that one achieves Bhav Bhakti. And by Vaidhi Sadan, one also achieves Bhav Bhakti, but that is of a different type. So Rag Bhakti, as compared to Vaidhi, the Bhav achieved by Rag Bhakti, as opposed to the Bhav achieved by the practice of Vaidhi Bhakti, there is a great difference. In that Vaidhi Bhakti is very brilliant and so much more developed than the Bhav achieved by the practice of Vaidhi Sadan. In the Bhav achieved by the practice of Vaidhi Sadan, there is so much feelings of respect and Ishwaburi. Means one understands that Sri Krishna is the Supreme Lord. Because of fear of Krishna's preeminent position, Seva is restricted to the offering of pranams and offering of prayers, etc. There is so much Aishwarya Gyan in this type of bhakti. Whereas, on the other hand, in the bhava achieved by the performance of Raghuruga Sadhan, there is no knowledge of Krishna's position as being the Supreme Lord. Rather, one simply thinks Krishna is my friend, Krishna is my son, or Krishna is my beloved. Because there is no Aishwarya Gyan or Aishwarya Buddhi, then there is no obstacle to completely tasting the sweetness of Sri Krishna. In Sakya Ras, there are feelings of equality with Krishna. One may think, I am the son of Upananda, and he is the son of Nanda, but my father has more cows than him. In that way, they either defeat Krishna, or think Krishna is less than them, or sometimes they think that Krishna is the same. Superior to Sakiras is Batsaliras, where they think that I am the maintainer of Krishna and I am the discipline of, I give discipline to Sri Krishna. That is Batsaliras. Then superior to that is Sakhi Bhav or the Gopi Bhav. Just see, Krishna does not give anything to them, neither cloth nor ornaments to the gopis. But by prem they can completely control him. Because the husband gives so many things to the wife is maintained like a servant or a dasi. But are the gopis the dasis of Krishna? Never. In fact, to please Krishna is completely controlled by them. And in order to pacify them, even he gives his flute at their feet and begs forgiveness. Or to speak of giving his flute, sometimes he even gives his head to them. Smaragara kandanam sirasi devi mandanam dehi padapalavam mandaram. Therefore, these three rasas that are achieved by Raghunuga Sadhana, namely Sakya, Batsalya, and Madhuras, one completely tastes the full sweetness of Sri Krishna. Whereas in the Bhava Bhakti achieved by Vaidhi Sadhana, one is restricted to simply offering prayers to Krishna. Therefore, by practicing Vaidhi Sadhana, one will achieve Bhava Bhakti and then Prema Bhakti and go to Vaikuntha, where he will serve Narayan. But in the performance of Raghunuga Sadhan, one will achieve Bhav, and then achieve Prem, and go to Vrindavan, and then taking shelter of the three rasas of Sakya, Vatsalya, or Madhuras, then one will taste complete, then Krishna will become completely controlled by that person. Because Vaidhi is the practice, the Prem achieved by Vaidhi Bhakti, the bhava or emotion towards Krishna is not completely developed in the same way Krishna is not completely controlled by that devotee. Just see the example of Arjuna. He was such a big friend of Krishna. But when Krishna showed his universal form, the Vishwarup, then he became full of feelings of awe and reverence and begged forgiveness from Krishna. Oh, I am very sorry that I called you Saka. Please forgive my apparat. But opposed to this is the prema of Mother Yasoda. Two times she saw the Vishwarup in Sri Krishna, but she never thought that Krishna was Bhagavan. Rather, she thought some ghost is there, and she called the Brahmanas to give Abhishek to Krishna with cow urine. Cow dung and cow urine. Therefore, in Vaidhi Prem, there's the feelings of intimacy are restricted. Sri Krishna is never controlled by Vaidhi Bhakti, and the achievement of prema is a little slow by following Vaidhi Bhakti. So just as there are two types of sadhana and two types of bhava, there is also two types of devotees.
One is the devotee who practices Raga Yoga Bhakti. The other type is the devotee who practices Vaidhi Bhakti. We should understand that Chaitanya Mahaprabhu came to distribute this Radmarg. Rasik Shekha Krishna Parama Karun. Dui Hoite Hoite Hoite. For these two reasons, Mahaprabhu came to this world. Therefore, before the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, no one had distributed this Bhakti Ras or this Raga Yoga Bhakti. Devotees like Madhvacharya, Sri Ramanuja, and Vishnu Swami, etc., they distributed Bhakti, but no Raga Yoga Bhakti or Bhakti Ras. Only person who had distributed was Mahaprabhu in the last day of Brahma, or the last Kalpa. Therefore, the hearts or the minds of these two types of devotees is also different. The devotee who practices Raga Yoga Bhakti, they have no desire at all for their own enjoyment or their own happiness. Whereas the devotees who practice Vaidhi Bhakti, in them there is a touch of desire for their own happiness. Either I will be happy by avoiding birth and death, or I will be happy by achieving the four types of liberation. Therefore, in Vaidhi Bhakti, their happiness, their some inclination for their own enjoyment, some sound of vritti, become free from material entanglement, and taste the happiness of liberation. But in Raga Yoga Bhakti, there is not even a fragrance of desire for one's own enjoyment. Therefore, that raga is so much superior, and it takes one to Vrindavan itself. कृष्ण की सेवा की वासना अनेक प्रकार की होती है। भक्ति लता का बीज है कृष्ण की सेवा की वासना। गुरुपाद पत्नी या उत्तम वैष्णव वैष्णव लोग कृष्ण भक्ति अपने संग से कृष्ण भक्ति के बीज कृष्ण सेवा की वासना को बोलते हैं। वही क्रम से बढ़े बन जाने पर मुख्यतः पांच रूप में होती है शांत दास्य सख वात्सल्य और मध्य। जो भक्त कृष्ण के स्वरूप में केवल निष्ठा रखते हैं सेवा वासना नहीं है कृष्ण परब्रह्म है हमारे उपास्य कृष्ण है ब्रह्म है। इस प्रकार से निष्ठा रखने वाले सेवा का भाव नहीं रखते परब्रह्म की क्या वो सेवा करेंगे इसलिए सेवा नहीं कर पाते। इसलिए परब्रह्मत्व परमात्मा मानते हैं हमें कृष्ण को इन्हें शांत भक्त कहते हैं। और दूसरा सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण परब्रह्म कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं अपने को उनका दास मानते हैं। जैसे परब्रह्म को हनुमान ने राम के रूप में देखा अपने को दास इस भाव में कृष्ण निष्ठा के साथ में स्वामी सेवक का और एक भाव जुड़ जाता है। पहले जो निष्ठा थी उसमें स्वामी और सेवक का भाव जुड़ गया दो गुण हो गया ये अपने को प्रभु और अपने को दास समझते हैं। इनके भाव का नाम दास्य भाव है। तीसरे भक्त जो सब कृष्ण को सखा मानते हैं कृष्ण बड़े हैं वे पूज्य हैं इस प्रकार की गौरव बुद्धि में नहीं रखते हम बराबर हैं हमारा सरकार अपना जूठा मुख का और भी यदि कोई स्वादिष्ट होता है निकाल करके कृष्ण के मुख में दे सकते जो दास नहीं कर सकता है हनुमान इत्यादि लोग नहीं कर सकते प्रहलाद महाराज नहीं कर सकते। कृष्ण निष्ठा एक दूसरा दास्य भाव दो और तीसरा इन्हें मिल जाता है विश्वासमयी समान बुद्धि हम और ये दोनों बराबर हैं।
प्रभाव प्रभाव श्री कृष्ण से इनका व्यवहार सखा की भांति होता है, अतः इनको सबका भाव करते। चौथे, जो कृष्ण को अपना लाल्य और पाल्य समझते हैं, उसको डांटते हैं, उस पर शासन करते हैं, अपना पाल्य समझते हैं, अपने से छोटा समझते हैं, उनमें ममता वाली बुद्धि और जुड़ जाती है। पहले से शांतों के निष्ठा, दास्यों का दास्य भाव और सखाओं का समान भाव और एक जुड़ गया ममता, और ममता हो जाती है। चंचलता देख करके अपने परम कृष्ण को वो डांट फटकार भी देते हैं या देते हैं, उन्हें बांध भी देते हैं पुष्प ब्रह्म को। कृष्ण निष्ठा सेवा संकोच भाव तो इनमें रहते ही हैं, और चौथा बाल्य पोषण का भाव ममता इसमें और भी हो गया। उनके भाव को बात्सल्य भाव कहते हैं। पांचवें, ऐसे भक्त हैं जो चारों गुणों के साथ अपने अंगों के द्वारा कृष्ण की सेवा करते हैं। ये कृष्ण की कांताएं कहलाती है, अपने समस्त अंगों से कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। यशोदा मैया सब अंगों से नहीं कर सकते, सखा लोग भी नहीं कर सकते, तो गोपियां ही कर सकते। इनमें पहला निष्ठा, दूसरा दास भाव, तीसरा समान भाव सखा का, और चौथा ममता, और पांचवा गुण हो गया समस्त अंगों से सेवा करना, समस्त भावों से सेवा करना। इस प्रकार से आम, कटहल, गन्ना, अंगूर, इन सब में अधिक अधिक रस पड़ता जाता है, उसी प्रकार श्रम से अधिक दास्य में, दास्य से अधिक सख्य में, सख्य से अधिक बात्सल्य में, बात्सल्य से अधिक कांक्षाओं में उत्तर उत्तर माधुर्य बढ़ता है। विशेष करके भावों का अंकुर, प्रेम भक्ति का अंकुर माधवेंद्रपुरी है, जिसके बहुत से स्कंद चैतन्य चैतामृत में सखाए प्रशाखाए वर्णन किया गया। महाप्रभु के संबंध के समय में ये विकसित हुआ और उनके हजारों लाखों अनुगत रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, स्वरूप दामोदर इत्यादि, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत गदाधर सब ने पढ़ा चारों तरफ। उनमें देखा जाता है कहीं कहीं कुछ कुछ दास भाव रहने पर भी अधिकांश जितने महाप्रभु के संप्रदाय में लोग आते हैं उनका गोपी भाव ही रहता है, और गोपी भाव में वो नहीं केवल एक मंजरी भाव राधा दास ये देखा जाता है, जो और कहीं भी किसी भी संप्रदाय में नहीं, हमारे गौड़ीय संप्रदाय में। इसलिए मैं समझता हूं कि जो लोग महाप्रभु के अनुगत गौड़ीय संप्रदाय में आए हैं उनका किसी न किसी रूप से मधुर रस से जरूर संबंध है, गोपी भाव से उनका संबंध है। वे साधन भजन ठीक से करें जैसे इसमें बतलाया गया है, तो धीरे धीरे उनका भाव बढ़ते 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 उस भाव तक स्पर्श कर सकता है। By performance of Sadhu Sangha, association with devotees, then one receives the seed of the desire to serve Krishna, Krishna Bhakti Lata Beach. And slowly this seed develops by staying in Sadhu Sangha, and it takes five forms.
First, it may take the form of Shanta. In Shanta, there is the quality of Nishta in Krishna, but there is no mood of Seva. He thinks Krishna is Parabrahma, he is my Ishadev, but how I can serve someone who has everything, Parabrahma. Then he has Nishta, no material desires, but no feeling of Seva. Second, in Dasyabhav, there is the feeling that Krishna is great and I am small. I am his servant. The example is Hanuman. Therefore, the quality of Shantaras, that is Nishta, is present in Dasyaras, as well as another addition which is called Dasyabhav. Feeling Ram is my Swami, my Lord, and I am his servant. Another form it may take is Sakyaras, or friendship with Krishna. They can give their own remnants in the mouth of Krishna, which a way that even Hanuman or Prahlad cannot do. Those in Shantaradasyabhav cannot serve like this. Therefore in Sakyaras there is the feelings of Nishta, present in Shantaras. There is feelings of servitude, that is in Dasyaras. And there is a third quality, Biswas Moy Saman Buddhi. That means they're serving Krishna with Biswas Moy Buddhi, with full intimacy, and they feel Krishna and me is the same. A fourth form it may take is that of Vatsali Ras. Therefore, in Vatsali Ras, the devotee thinks Krishna is less than me, I maintain him. Therefore, in this, there is so much development of Mamata Moy Buddhi, feelings of possessiveness towards Sri Krishna. Also, the devotee feels, I must nourish and feed him, and I chastise him. Sometimes the devotees in Vatsali Ras, when they see the restlessness of Krishna, they punish him even, or bind him, chastise him. Therefore, in Vatsali Ras, the feelings of Nishta in Sandaras, servitude in Dasyaras, feelings of Mamata or sameness that are in Sakyaras, as well as this, there is the feeling of Palibhav. I will maintain Krishna and I will chastise Krishna. And lastly, it may take the fifth form, which is called Madhudiras or Kantabhav. All the qualities that are present in the other four rasas are all present in this Kantabhav. In Kantabhav, the devotee, she serves Krishna by all the limbs of her body in a way that even Mother Yasoda or the cowboys cannot do. Therefore, all the other aspects are there in Kantabhav, as well as one additional ras, or one additional quality that is not present in the other four rasas, that is they serve Krishna with all limbs of their body. Just as like there is a gradation of taste from grapes to jackfruit to mango, in the same way there is an increasing gradation of sweetness from Dasya to Sakya to Vatsalya to Kantabhav. Then with the sprout of this Kantabhav, that is Sri Madhavendra Puri. And following Sri Madhavendra Puri came Sri Chaitanya Mahaprabhu. And with Chaitanya Mahaprabhu were so many millions of devotees who are under his shelter and guidance, like Sri Gadadhar Pandit, Sri Nityananda Guru, Sri Sarup Damodar, Sri Ramananda Roy. No one can count how many there are. So even though all have a mood of Dasyabhav towards Chaitanya Mahaprabhu, despite this, we see that most of them are situated in Kantabhav. And of them, the great majority are Manjaris, or serving as maidservants of Radhika. Therefore, this Gopi Bhav, this Manjari Bhav, is only seen in the Gaudiya Sampradaya. It is not present in any other Sampradayas. Therefore, we should think that those who have the great fortune to come to the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, then most must also be in that Manjari Bhav. And those who follow the sadhana in the correct manner, then slowly, slowly, they must touch that in this life or in the other life. Gop Nemanam. Question ahead. Chakrabarti Thakur ji kehte hain.
कृष्ण ही प्रेम के पिता है। विषमने का सभी रसों का कृष्ण ही आस्वादन करते हैं। दास्यों का दास्य भाव, सखा का दास्य भाव, वात्सल्य का माता पिता का वात्सल्य भाव और गोपियों के मधुर रस का आस्वादन कृष्ण करते हैं। अब हमारा उद्देश्य तो राधा दास्य की प्राप्ति का है। कृष्ण दे सकते हैं कि नहीं? इधर चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा कहा गया है, राधा प्रेम की कल्पलता है, सख्या उनकी पुष्प और पत्ते हैं। राधामानंद जी कहते हैं बिना गोपियों के अनुगत्य के गोपी भाव नहीं मिल सकता। तो किससे प्रार्थना करने से? कृष्ण से प्रार्थना करने से होगा या राधा जी की सहेलियों से प्रार्थना करने से होगा या राधा जी से? राधा जी से भी नहीं, सहेलियों से। किंतु कृष्ण से भी प्रार्थना की जाती है। किस लिए? कृष्ण जब कहेंगे बर मानो क्या चाहते हो, उस स्थिति में कृष्ण कहेंगे तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया, अब तुम कुछ बर मांगो। तब वो कहेंगे श्याम सुंदर शिखंड से फल स्नेह राधिका रसिक मान कृपा दिए सब प्रिया चरण। ऐसा तब कृष्ण क्या कर सकते हैं? देंगे, किंतु उनके अंदर में जो है उतना ही देंगे और गोपियां क्या कितना देंगे। तो राधा दस तक सकते, इसलिए कृष्ण से भी प्रार्थना करेंगे। जहां जहां वह गोपियों का संबंध है, गोपियों में राधा जी के प्राणनाथ गोपी कांत तो कृष्ण ही है, इसलिए यदि कृष्ण कोई वर्तन है तो गोपियां कोई क्या मना कर देंगे? इसलिए इसका इसी रूप में समाधान करता है। So question is risen here. Sri Vishnu Acharya Thakur says that Krishna is the brim. He tastes all rasas. He tastes the sakya ras of the cowboys, the vatsalya ras of Nanda Yasoda, and the madhurya ras of the gopis. But our goal is Radha Dasyam. Their question comes, can Krishna give Radha Dasyam? Chaitanya Charitamrita Krishna Prema Kalpala. Radhika herself, she is the wish-fulfilling divine of Prema Bhakti. And all the other gopis are simply leaves and twigs on that wish-fulfilling vine. Also, Sri Ramananda Roy has said, Gopi Anugata Bina Aishwarya Gyan Napai Raja Vrajananda. Without the guidance of the gopis, one cannot become free from the moods of opulence, one cannot achieve Vrindavan or Krishna. Therefore, question is, can Krishna give Manjari Bhava? Then Guru Maharaj said, if Krishna is pleased and he appears before you and asks what you want, I am very pleased with you, then the devotee prays, Shama Sundar Shikanda Shekha Smeta Hasya Marali Manoha. Then Krishna can give only what he has, and the gopis can give what they have. But one point to understand that Krishna is most beloved of the gopis. Therefore, if Krishna requests something from the gopis, can the gopis deny it? The gopis cannot deny it. Therefore, Krishna can also give in that way. Hare Krishna. Kal hum log ki bat samapti hai. Kal sune Guru ji aayenge. Uske baad sabhosham hoga. जैसे सुबह कीर्तन प्रवचन होता है ऐसे ही होगा। गुरु जी भी आएंगे और उसके बाद आप व्रत समाप्त करेंगे, प्रणाम उसकी व्यवस्था की है और सब वैष्णव मुंडन करेंगे। कल हमारे व्रत समाप्त दिन
প্রতিদিন যেমন পাঠ কীর্তন হয় এবং সকালে হবে, তারপর এখানে ব্রত ভঙ্গের জন্য প্রেমন্দ ব্যবস্থা যা করেছেন তা আপনারা প্রসাদ সেবা করবেন, পদ্মশ্রমণ সমস্ত মন্ডন করবেন, আর পরে অষ্টম হবে ওখানে চোমারও। আবার ব্রত সমাপ্তি ডে, দ্য কমপ্লিটিং ডে অফ লাস্ট ডে অফ ব্রত, সো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আদার ডে কীর্তন অ্যান্ড প্রচন উইল দেয়ার ইন মর্নিং, only morning or afternoon, because you have to move everyone tomorrow to back at the place. And Srila Gurudev will come as well as other day. After that, for taking our broth, but Premandu added something, we have to honor the prasad. And after that, to move, saving our hairs and sacrifice for everyone. And I am requesting Sripada Ramchandra Prabhu, শ্রীপাদ সাধিকানন্দ প্রভু, বৃত্তানিধি প্রভু, এখানে তিনজনই আছেন, বৃত্তানিধি প্রভু, আনন্দ প্রভু, আমি নাম ছোট বিয়ে কাম কোয়ার্টার পাস্ট ফাইভ, আপনার সকাল ছ পাঁচটার সময় মহাদেব ভরা কমরেমে আয়েঙ্গে, পুরন্দর প্রভু আর পান্ডার খবর দেখে বিকাল ছয় বাজে তো ইধার আ যান, ছ সাড়ে চার তো ইধার আ যান। হরে কৃষ্ণ, সো টুমরো ইভিনিং দ্যার ইজ নো হরিকথা আফটার বৈষ্ণব হোম Yajna, everything we do tomorrow, conclusion, there will be Mahaprasadam, feast, and after that, all the devotees can leave for their next destinations. Yeah. If you want to stay here, you have to make your own arrangements. If you want to go to Vrindavan, there will be buses leaving at 3 o'clock tomorrow afternoon. You can come on that bus for free if you put your name on the list there. Outside, in the hallway here, there is a list. So those of you who want to go tomorrow afternoon to Vrindavan at 3 o'clock, the buses are leaving. We are requesting the devotees who are on that list to help monitor the luggages and also those who are in the bus. We will give lists. Everyone who has registered will come in the bus. Those who don't register have to make their own arrangements for transportation. A few more passports are yet to be delivered. Following devotees, Roy Ramadan from USA, Madan Mohini from Germany, Shamalidini Jai Shri, Kamala Kanta Abhiram from USA, and Gokul from Australia. Please pick up your passports right out here, right after class. Hare Krishna, as before I have announced, who is leaving India, if they have sleeping bag or mosquito tent and other things, plus rice, it will help you for Bengal teaching of Brahmacharis. Hare Krishna, thank you for Gopalis. Hare Krishna.